जिमनी के लॉन्च पर क्यों थार को आ रहा है पसीना, जबकि कीमत में है कम। पांच बातें जो नवी नवेली एसयूवी को बनाती है खास। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली 4x4 एसयूवी जिमनी को हाल ही में लॉन्च किया। लंबे समय तक इस एसयूवी का इंडिया में इंतजार किया जा रहा था। हालांकि सुजुकी ने यह एसयूवी कई सालों से यूरोपियन बाजार में मौजूद है और वहां पर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है, लेकिन फिर भी इंडिया में इसे लॉन्च करने में कंपनी ने काफी रिसर्च की। जिमनी के लॉन्च होने के बाद से ही एक बात चर्चा में है कि महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी थार को बड़ा झटका लगा है। ये काफी हद तक सही भी दिख रही है, क्योंकि जिमनी के सड़क पर उतरने से पहले ही 30,000 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी थी। बात यह है कि मारुति को जिमनी की बुकिंग के हिसाब से ऑर्डर पूरा करने में ही 2 साल तक का समय लग सकता है। एक तरह से देखा जाए तो जितनी यूनिट्स अब तक थार की बिकी है उससे 1/4 से ज्यादा यूनिट्स जिमनी की लॉन्च से पहले ही बुक हो चुकी थी। अब बड़ी बात यह है कि जिमनी के लॉन्च होने से महिंद्रा थार को क्यों खतरा बढ़ सकता है, जबकि थार और जिमनी में पावर और परफॉर्मेंस का भी काफ़ी अंतर है। वही थार पहले से बाजार में अपनी खास जमाए हुए है और जिमनी पूरी तरह से इंडिया मार्केट के लिए नई कार है। आइए जानते हैं वो 5 कारण जिसके चलते महिंद्रा की नींद उड़ सकती है। सही रिसर्च और फिर बना प्रोडक्ट। यूरोपियन बाजार में आने वाली जिमनी और इंडिया में लॉन्च हुई इस एसयूवी में काफ़ी अंतर है। कंपनी ने इंडियन मार्केट को और ग्राहक की मांगों के अनुसार एक सही तरीके से रिसर्च कर इस गाड़ी को तैयार किया है। जिमनी को न केवल एक हार्ड कोर ऑपरेटिंग व्हील के तौर पर तैयार किया गया है, बल्कि ये एक सिटी और फैमिली कार के तौर पर आसानी से यूज की जा सकती है। वही थार को एक सिटी या फैमिली कार के तौर पर यूज करना आसान नहीं है। 5 डोर का फायदा। थार अभी तक 3 डोर के साथ बाजार में उपलब्ध है, जबकि जिमनी को 5 डोर के साथ खास इंडिया के लिए तैयार किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो एडवेंचर तो पसंद करते हैं और फैमिली के साथ भी इस गाड़ी में सफर करना चाहते हैं। थार को कोई भी व्यक्ति फैमिली की प्राइमरी कार के तौर पर नहीं रख सकता है, वही जिमनी को आसानी से प्राइमरी कार के तौर पर रख सकता है। बेहतर माइलेज। थार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में किए जाते हैं, वही जिमनी 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च की गई है। थार के माइलेज की बात की जाए तो ये पेट्रोल पर 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल इंजन के साथ भी लगभग इतना ही माइलेज देता है। वही जिमनी का माइलेज कंपनी 17 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम करती है। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि कार नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज दे रही है। सेफ्टी फीचर्स। जिमनी में सेफ्टी फीचर्स की भरमार है। डुअल एयरबैग के साथ ही क्लेपिक्सिबल स्टीयरिंग, ABS, EBD, साइड्स क्रैश गार्ड, आइसोफिक्स माउंटेड सीट्स, हाइट एडजस्टेबल सीट्स, बेल्ट्स और इंजन इमोबिलाइजेस सहित कई फीचर्स मिलते हैं। हालांकि थार में भी कई सेफ्टी फीचर्स है, लेकिन अपने इंटीरियर डिजाइन के कारण ये पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए कम सुरक्षित है। कम वजन। थार के मुकाबले जिमनी के वजन में करीब 600 किलो का फर्क है। थार का कर्ब वेट 1755 किलोग्राम है, वही जिमनी का वजन 1197 किलोग्राम है। ऐसे में ऑफ रोडिंग हो, माइलेज की बात हो, पिकअप की हो या फिर टॉप स्पीड की, सभी में जिमनी थार को पछाड़ने की क्षमता रखती है। इसी के साथ जो और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जिमनी के साथ वो है ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन जो थार में नहीं है। दोस्तों ऐसे नई नई जानकारी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।